हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुगड़ा एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 9 सोशल साइंस का इकोनॉमिक्स चैप्टर 1, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम लोगों ने डिस्कस किया है, जिसका लिंक हम आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे। आप वहां से चेक कर सकते हैं और वीडियोस को देख सकते हैं। सो आज हम स्टार्ट करते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर। जैसा नाम से ही पता है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसमें फार्मिंग के अलावा जो एक्टिविटीज होंगी, एक्टिविटीज अदर देन एग्रीकल्चर लाइक डेयरी, शॉपकीपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लाइक बास्केट मेकिंग और द पोल्ट्री आइटम्स आर कम्स इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। 25% ऑफ पीपल वर्किंग इन पालमपुर आर एंगेज इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। पालमपुर में जितने भी लोग वर्किंग है उसके 25% इन्हीं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में एंगेज है। नाउ स्टार्ट विद डेयरी। दिस इज अ कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। पालमपुर की काफी फैमिलीज में ये एक कॉमन एक्टिविटी है। दैट मीन्स बहुत सारे लोग पालमपुर में डेयरी का वर्क करते हैं। पीपल गेट द एनिमल फोडर दैट ग्रोन इन रेनी सीजन्स, ज्वार, ग्रास, बाजरा। जो रेनी सीजन्स में जो क्रॉप होती है वो मैक्सिमम एनिमल फीड्स के लिए होती है। मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज। जो डेयरी से जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो रायगंज जो नियर बाय सेंटर है, विलेज है, वहां पे बेचा जाता है। टू ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर हैव सेट अप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर एट रायगंज। दो ट्रेडर्स शाहपुर के जिन्होंने सेटअप किया हुआ है कलेक्शन, जहां पे वो मिल्क को कलेक्ट करते हैं और साथ में उसको ठंडा किया जाता है रायगंज में। मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज। जो मिल्क है वो दूसरे दूर के टाउन्स और सिटीज में पहुंचता है। सो दिस इज द वे कि हम अपने बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में मिल्क ले पाते हैं। नाउ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऐसी मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री सेटअप की जरूरत नहीं होती। ये फैमिली मेंबर्स मिलके ही अपने घर पर या एग्रीकल्चर फील्ड में कहीं भी एक छोटे से स्पेस में इन चीजों को मैन्युफैक्चर करते हैं। 50 पीपल एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। पालमपुर में 50 लोग हैं जो इसी मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज्ड हैं। मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स। यहाँ पे इनमें जो प्रोडक्शन मेथड है वो काफी सिंपल होता है। वर्क इज डन मोस्टली एट होम और फील्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर्स। जो फैमिली लेबर्स हैं उनकी हेल्प से घर पर ही या किसी भी छोटे से फील्ड में ये काम किया जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है मिश्री लाल का। उसने परचेज किया है शुगर केन क्रशिंग मशीन। शुगर क्रिन जैसे वहां पे हमने बताया था कि एक क्रॉप होती है तो उसको क्रश करने के लिए जो मशीन है वो वहां पे मिश्री लाल ने परचेज करके सेट की हुई है। नाउ नेक्स्ट इज द शॉपकीपर्स। फ्रेंड्स, ये शॉपकीपर जो है ये आप लोगों ने देखे होंगे, शॉप्स होती है इनकी। ये जनरली ट्रेडर्स भी हैं। ये जो गुड्स हैं वो होलसेलर से परचेज करके कस्टमर को देते हैं। सो नॉट मैनी शॉपकीपर्स हु डू एक्सचेंज ऑफ गुड्स। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे शॉपकीपर नहीं है जो गुड्स को एक्सचेंज करते हों। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। हर किसी के पास विलेज में कैश नहीं होता है कि वो जाके मार्केट से सामान ले। सो कुछ लोग अपने पास से सामान ले जाते हैं शॉप पे और उसके एक्सचेंज में उनको जो सामान चाहिए होता है वो ले आते हैं। सपोज कीजिए उन्होंने थोड़ा सा घर से व्हीट, राइस या जो भी उनका प्रोडक्शन है क्रॉप का वो लिया, शॉप पे दिया और शॉप से अपने सामान जैसे उनको ऑयल चाहिए या कुछ और सामान चाहिए, बिस्किट्स चाहिए, कुछ भी सामान चाहिए, मिल्क चाहिए, वो मार्केट से लाते हैं। तो इसे कहा जाता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स। मोस्ट ऑफ शॉपकीपर परचेज गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट एंड सेल देम इन द विलेज। बहुत सारे शॉपकीपर गुड्स को परचेज करते हैं होलसेल मार्केट से और उनको विलेज में सेल किया जाता है। जनरल स्टोर क्या सेल करते हैं? राइस, व्हीट, शुगर, ऑयल, टी, इस तरह से। पीपल हैविंग हाउसेज नियर बस स्टैंड स्टार्टेड टू सेल ईटेबल्स। अब ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि बस स्टैंड के पास में अगर किसी की भी
प्लॉट वगैरह हो, हाउस हो, तो वहां पे वो अपनी एक छोटी सी शॉप बना लेता है जहां पे वो ईटेबल्स बेचता है, जो कुछ ऐसे पर्सन को जो बस स्टैंड पे विजिट करते हैं, किसी को छोड़ने आएंगे, विजिट करेंगे एक सिटी से दूसरे सिटी तक, तो वहां पे उनको कुछ ईटेबल्स के लिए शॉप रहती है। यहाँ पे देखिए करीम ने एक स्टार्ट किया हुआ है कंप्यूटर क्लास सेंटर विलेज में। नाउ वी मूव टू ट्रांसपोर्ट। वैरायटी ऑफ व्हीकल्स कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। यहाँ पे हमने देखा था पालमपुर से रायगंज को बहुत सारे व्हीकल्स हैं, वो कनेक्ट व्हीकल्स हैं उस रोड पे चलते हैं, जैसे रिक्शा वालाज, टांगा वालाज, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, बहुत सारे व्हीकल्स हैं। ट्रांसपोर्टर मूव पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर एंड गेट पेमेंट फॉर दिस। जो ट्रांसपोर्टर हैं वो मूव करते हैं लोगों को और सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, और उसके बदले उनको पेमेंट दिया जाता है। नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्ट हैज ग्रोन ओवर लास्ट सेवरल ईयर्स। जो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में, वो काफी तेजी से पिछले सालों में बढ़े हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है किशोरा का, जो एक फार्म लेबरर है, वो परचेज करता है एक बफेलो, उसके मिल को बेचता है, और साथ में वो एक बुलक कार्ट भी स्टार्ट करता है और उसको काम में लेता है एज ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल। वो अलग अलग आइटम्स कैरी करता है एक सिटी से दूसरे सिटी तक, जैसे जैगरीज या क्ले फॉर पोर्टर्स, और उसी से उसकी वो एक्स्ट्रा इनकम होती है। नाउ वी सी द क्वेश्चन ऑन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। व्हाट आर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। व्हिच इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन टू एक्सपेंड नॉन फार्म एक्टिविटीज इन ए विलेज। Describe any three features of small scale manufacturing as a non-farm activities in Palampur. Now we see some more questions of this chapter. Name any two states which benefited from the green revolutions. Green revolution से benefit होने वाले दो states का नाम बताना है। Mention any two factors responsible for the low yield of food grain in India. India में food grains काफी कम है, सो इसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। मेंशन थ्री कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग के ट्रेडिशनल मेथड बताइए। व्हाट फैक्टर्स हैव लीड टू द रिडक्शन ऑफ वाटर लेवल इन पालमपुर। पालमपुर में वाटर लेवल जो रिड्यूस है, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। स्टेट टू फीचर्स ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड। How are traditional seeds different from HYV seeds? Traditional seeds HYV seeds से किस तरह से different है? How do large farmers utilize surplus farm products to arrange for the capital needed for farming? जो बड़े farmers हैं वो surplus farm products को, जो उनके पास extra farm products होते हैं, उसको किस तरह से utilize करते हैं कि उनके पास जो capital चाहिए उनको farming के लिए वो arrange हो सके। So friends, ये थे कुछ important questions और नोट्स इस चैप्टर के। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।